थोड़ा उठा कर रखिएगा, इनहेल सेंटर, एक्सहेल दोबारा से बाजू शोल्डर लेवल पर, सलामुलेकुम, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, देखे दोनों बाजू अपने लेफ्ट एंड राइट, देखे दागे दोनों बाजू सीधे बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स और लेफ्ट हाथ की तरफ देखिएगा, इनहेल करते हुए लेफ्ट हाथ अपना लेफ्ट साइड के ऊपर और एक्सहेल करते प्लीज राइट हाथ अपना मूव करें अपने राइट कान की तरफ और शोल्डर अलाइन करें, शोल्डर से फ्रंट पे अलाइन करें और रिवर्स करते हुए हिप को पुश करें फ्रंट के ऊपर, हिप को पुश करें फ्रंट के ऊपर, जाइए बैक के ऊपर प्लीज और सर को उठा करें, सर ड्रॉप नहीं करना पीछे प्लीज, 1 2 3 लेग में स्लोपना है, 5 एंड रिलैक्स, सांस लेते वापस आइए और जेल करते फिर इनहेल करते सेंटर पे आइए और इनहेल कर दोनों बाजू कानों के साथ लिफ्ट कीजिए प्लीज, इनहेल राइट बेंड प्लीज, अपर बॉडी का बेंड अप प्लीज, ये नहीं करना अपर बॉडी का बेंड, ओनली अपर बॉडी, दोनों बाजू कानों के साथ अपने सांस पर फोकस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड से प्लीज, दोनों शोल्डर दिखे मेरी तरफ अलाइन करने अपने दोनों शोल्डर ऊपर नीचे, ये अभी फॉरवर्ड बैंड ऐसे नहीं जाना, प्लीज अलाइन करना शोल्डर को, शोल्डर को अलाइन कीजिए प्लीज, नीचे वाला बाजू ढीला है उसको उठाइए ऊपर, लिफ्ट करें लिफ्ट करें, कैसा बाजू लिफ्ट करें प्लीज, ये देखिए ऐसे बैंड है, अवेयरनेस लेके लेफ्ट बाजू के ऊपर, लेफ्ट बाजू पे उठाएं, लेफ्ट बाजू उठाओ ऊपर से और ऊपर उठाओ, इनहेल सेंटर, एक्सहेल अपर पे उठा के रखिएगा, सर ड्रॉप नहीं करना, इनहेल सेंटर, एक्सहेल फॉरवर्ड बैंड प्लीज, अलाइन करें अपनी स्पाइन को, सेंटर से डाउन कीजिए प्लीज, शोल्डर में आपका स्ट्रेच आएगा, बाजू कानों के बराबर चैलेंज करें अपने आपको और वेट लेके आप पांव के पंजे के ऊपर, बॉडी को आगे फॉरवर्ड मूव कीजिए प्लीज, इनहेल सेंटर, एक्सहेल बाजू डाउन सांस के साथ, आई वॉक फील, दोनों शोल्डर प्लीज रोटेट कीजिएगा, रिवर्स आपसे बाजू उठा रहे हैं, ये देखिए ऐसे देखिए शोल्डर कैसे रोटेट हो रहे हैं, हो रहे ही हो रहे, गर्दन कुछ नहीं, गर्दन कुछ ऐसे सिर्फ शोल्डर, यस आप थोड़ा सा ऐसे दे लेकिन शोल्डर प्लीज, फिर रिवर्स एंड रिलैक्स, बॉडी को जरा रिलैक्स कीजिए, सलाम अलैकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,7, 8, 9, 10, अब बारी बारी लेफ्ट एंड राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सांस लीजिए, एक्सहेल बाजू डाउन सांस के साथ, आज वो महसूस हुआ, वेल फॉरवर्ड बेंड गई है प्लेस, थोड़ा दूर लेके जाके पूरी बॉडी नजर आए ना दोस्तों, यहां इनहेल करते प्लीज बॉडी वापस आइएगा और दोनों बाजू प्लीज अपने क्राउन पे लॉक कीजिएगा, अब अपने दोनों एल्बो दोनों घुटनों की तरफ लेके जानी है प्लीज, लेकिन लेग बिल्कुल स्ट्रेच रहेंगे सर, गर्दन पे जोर नहीं देना, 1, inhalation and exhalation, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नाइन टेन, देखो अगर हिम्मत है तो टेन मजीद करेंगे वरना रेस्ट ले प्लीज। नाइन एट, सांस के साथ दोस्तों, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन, सांस भरे, एक्सहेल बाजू डाउन। प्लीज पांव सीधे, जिन लोगों ने पांव ऐसे करें पांव सीधे रखें प्लीज, पांव की पोजीशन अपनी ठीक करें। नहीं सुनते स्वेल दोस्तों, प्लीज इसे दूसरे स्टेप पे आते हैं प्लीज, फॉरवर्ड बैंड पे आइए, फॉरवर्ड बैंड। देखिए स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, प्लीज अपनी कर्व करें अपनी स्पाइन को, सेंटर से अपना उठी होती है उसको सेंटर से डाउन करें, सर उठाएं अपने शोल्डर लेवल पर, और देखिए स्ट्रेचिंग कैसी है प्लीज। घुटने बैंड कीजिए चेयर पोज में, अपने आपको लेके चेयर पोज, अपने घुटनों को हमेशा अपने पांव के पंजों से आगे नहीं लेके नहीं जाना, जिन दोस्तों के घुटनों में दर्द है वो इससे अवॉइड कर सकते हैं प्लीज। और यहाँ पे निहल कर दोनों बाजू प्लीज अपने क्राउन के ऊपर, और चेस्ट को डाउन करना, देखिए चेस्ट को डाउन करना प्लीज चेस्ट को, और बारी बारी लेफ्ट एंड राइट वन तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन थ्री फोर फाइव सिक्स, आते घुटने खोलो, सेवन एट नाइन टेन, टेन मोर प्लीज, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, चेयर पोज में अपनी चेस्ट लिफ्ट कीजिए प्लीज, वापस उसी अंदाज से प्लीज, वन टू थ्री फोर घुटने बैंड, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और सांस इनहेल करते हुए और एक्सहेल बाजू डाउन। सुवेल देखिए अपनी बॉडी में फीलिंग प्लीज, एड़ियां हील उठा के रिलैक्स करें लेग को जरा, वेल दोस्तों दूसरा स्टाइल प्लीज, आइए वापस फॉरवर्ड बैंड, घुटने बैंड करके चेयर पोज में बिल्ड करें अपना प्लीज, ये याद रखिए घुटनों और पांव का फासला, अक्सर क्या था आप घुटने यहां क्लोज कर देते हैं, मेरे से देखें था प्लीज ये नहीं करना, आपने इनको अपने अवेयरनेस के साथ बराबर खोलना, देखो अभी हमारे घुटने कम खुले पांव ज्यादा खुले, पांव कम करो ये घुटने ओपन ज्यादा करो, कोई एक चीज जो आपको अच्छा है ऐसे प्लीज, ये बराबर रखना इसका फासला आपने, अलाइनमेंट अपनी बॉडी की जरूर रखनी है। इनहेल कर दोनों बाजू क्राउन के ऊपर, अब आपने चेस्ट को ऐसे डाउन करना, सिर्फ बाकी लोअर बॉडी में मूवमेंट नहीं है, दोनों एल्बो टच करके चेस्ट ऊपर उठानी प्लीज, वन टू थ्री, लेग में मूवमेंट नहीं जाएगी प्लीज, लेग को कंट्रोल करेंगे, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन मोर प्लीज, जब स्टेमिना नहीं है तो रेस्ट लें, अदरवाइज मेरे साथ कंटिन्यू रखिएगा, एट सेवन चेहरे के तासर नॉर्मल, सिक्स फाइव फोर चैलेंज करें प्लीज, थ्री टू वन उठाएं चेस्ट ऊपर प्लीज, स्पाइन पीछे बिल्कुल स्ट्रेट, वन टू घुटने बेंड करो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, इनहेल करते बॉडी स्ट्रेट और एक्सहेल बाजू डाउन। सुवेल अपनी दोबारा हील रेज करके लेग को रिलैक्स कीजिएगा प्लीज, दोनों पांव जोड़िएगा और हिप को मूवमेंट दीजिएगा प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली छोटे छोटे सर्कल स्लोली प्लीज, पांव जोड़ के मेरी कैसा पांव जोड़ के प्लीज, पांव को बिल्कुल गैप जीरो, देखिए आपको लोअर बैक में स्ट्रेचिंग कैसी फील हो रही है इस मूवमेंट से, वो रिलैक्स होगी प्लीज, घुटने नहीं बैंड करने, घुटने नहीं बैंड करने, अब रिवर्स कीजिए स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज, पता मैट बदलो, ये वाला मैट कितने का है आपका, ये 1100 मेरे से लेना ना आपने, ठीक है बाय योर मैट टुडे, ओके आपने सर लेके देना, लेकर ना मैट इससे ये दिन लाएगा, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगी है, देखो ना मैट कैसा उसका गंदा क्लीन होगा, दूसरी गाड़ी तो सवाल दोस्तों, इसका तीसरा सेल्फी, आइए वापस फॉरवर्ड फोल्ड,
घुटने बैंड कीजिए प्लीज, चेस्ट ऊपर लिफ्ट कीजिएगा, दोबारा से हाथ अपने क्राउन के ऊपर लॉक करें और दोनों एल्बो 200 ऐसे क्लोज कर देने हैं। अब अपने चेस्ट को डाउन करना, प्लीज लोअर बॉडी में मूवमेंट आ जाए, ओनली चेस्ट डाउन करेंगे और बारी बारी लेफ्ट हैंड राइट, 1 2 घुटने और पैर ट्रबल करेंगे प्लीज, 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चेस्ट ऊपर उठाइए प्लीज, लोअर बॉडी में मूवमेंट आ जाए प्लीज, चेस्ट ऊपर लिफ्ट कीजिएगा, स्पाइन स्ट्रेट कीजिएगा पीछे, 1 घुटने फिर छोड़ दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इनहेल करते बॉडी स्ट्रेट और एक्सहेल बाजू डाउन। सवेल हमारे दो पोर्शन मुकम्मल हुए प्लीज, अब दोनों हाथ अपने हिप्स पे रखिएगा दोस्तों प्लीज, साइड व्यू से आप देखिए मुझे, दोनों हाथ अपने हिप्स के ऊपर और एल्बो क्लोज कर लेना है प्लीज, एल्बो क्लोज, हाथ ये जोड़ने नहीं है साथ, अपने बटक्स पे रखें इस अंदाज से अपने हाथों को और सांस इनहेल कीजिए, एक्सहेल पुश करें अपनी हिप को फ्रंट की तरफ और अपने एल्बो को स्क्वीज करते जाएं, गर्दन की शोल्डर को स्क्वीज नहीं करना प्लीज, गर्दन को उठा कर रखें, गर्दन को पीछे नहीं फेंकना, हिप को पुश करें फ्रंट पे और यहाँ पे स्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एल्बो क्लोज करें, एल्बो क्लोज, 9 और 10 इनहेल वापस और दिल बाजू रिलैक्स, हमेशा अपने ईयर अवे फ्रॉम योर शोल्डर, हम मिस्टेक क्या करते हैं प्लीज गौर से देखिए, मैंने देखा नहीं आप लोगों को जो, लेकिन जो नॉर्मल मिस्टेक करते हैं ये करते हैं, अब मेरे बताएं का ये अवे करने आइए, देखिए ये आप मेरे गर्दन ड्रा करो तब इसको उठा कर रखना है ताकि कान आपके शोल्डर से अवे रहें, तो ये अवेयरनेस के साथ और जो एल्बो आपस में क्लोज करने हैं तो आपका शोल्डर ब्रॉड होगा, पता स्ट्रेच होगा प्लीज, तो जो हमें अक्सर प्रॉब्लम आपने देखा वो लोगों के ना शोल्डर से आके ड्रॉप हो जाते हैं और ऐसे हो जाते, तो ये शोल्डर वापस अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे, हमारा सिटिंग स्टैंडिंग पोस्चर में हमारी पोजीशन जो है वो अगर या हम हाथ ड्रॉप करें तो ये शोल्डर के ऊपर आने चाहिए, आप अक्सर लोगों को देखें ऐसे बैठे ऐसे चलते हैं और हाथ यहाँ रहता है, तो 21 पाउंड वजन आता है मसल्स के ऊपर बगैर किसी वजह के, जो रिसर्च है प्लीज, इसको अपने पोस्चर की जो क्वालिटी वो जरूर इंप्रूव करें और खड़े हुए ऐसे नहीं, दुपट्टा मैन। सो वेल एक दफा इस पोज को और करते हैं, दोनों हाथ ऐसे स्पाइन पर रखिए प्लीज, अब अपने कमर पहले हमने बटक्स पे रखे, अब कमर के ऊपर और देखिए दोनों एल्बो ऐसे क्लोज किए, सांस इनहेल कीजिए, एक्सहेल पुश करें अपनी स्पाइन को फ्रंट की तरफ, पुश करें एल्बो क्लोज करते जाएं, एल्बो पुश, देखिए शोल्डर अवे फ्रॉम योर ईयर और पुश करते जाएं, पुश करते जाएं, पुश करते जहां तक आसानी से जा सकते हैं और यहां पे स्टे दीजिएगा, 1 एल्बो क्लोज, 2 3 4 सांस के ऊपर तोजो प्लीज अपनी, 5 6 7 8 9 10 इनहेल वापस एंड रिलैक्स, फील लोअर बैक के ऊपर, अब आइए फॉरवर्ड फोल्ड पे, देखिए लोअर बैक के स्ट्रेच कैसे फील हुआ आपको, स्वेल आज हम यहाँ पे जो एंड पे करने पहले हम 3 पोज यहाँ पे ऐड करेंगे प्लीज, अपना डाउनवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग और प्लैंक पोज, ठीक है, और उसके साथ जो है वो अपवर्ड फेसिंग नहीं होगा, उसके साथ हाई लांज होगा प्लीज, हाई लांज, प्लैंक एंड डाउनवर्ड फेसिंग, ये 3 पोज के साथ हमें 3 जो है वो रेपिटेशन हम देंगे, लेकिन प्लैंक में आप पहली दफा 10 काउंट करेंगे, दूसरी दफा 20 और तीसरी दफा 30 ताकि आपका, तो आइए प्लीज सबसे पहले टेबल टॉप पोजिशन, कैट काउज करके देखिए, 3 रेपिटेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज, प्लैंक पोज में अपने आप को लेके प्लीज, प्लैंक पोज, 1 सर उठा कर रखिए प्लीज, कोरमस को वेट कीजिएगा, 2 3 4 5 6 बॉडी लेवल पर मैन प्लीज, बॉडी लेवल पर जिन लोगों ने हिप उठाए डाउन करें प्लीज, उनको सर ऊपर उठाओ, सर ऊपर, यस ये, अब कोर मस्कुलर एंगेज करो, 8
9 और 10, यहां से डाउनवर्ड फेसिंग। अपनी हील को प्रेस करें मैट के साथ, हाथ के ऊपर वजन। इस पोज में आने के लिए सबसे पहले अपना बॉल ऑफ द फुट यानी वोज को देखें, हील को देखें, देन आपके काफ मसल्स और घुटने स्ट्रेच कर दें और हिप को ऊपर उठाएं प्लीज मैक्सिमम। इनहेल करते प्लीज राइट पॉम दोनों हाथों के दरमियान। यहां से प्लीज अपने, यह बहुत जरूरी है, घुटना और आपकी एड़ी अलाइन हो आपस में, घुटना और एड़ी अलाइन हो और यह ग्रेसफुली अपनी बॉडी को ऊपर उठाइए प्लीज। हाई लंज, अपने ब्रेथ पर फोकस, ब्रेथ पर फोकस प्लीज। हिप थोड़ी डाउन करेंगे ताकि आपका स्ट्रेच बेहतर हो। इनहेल करते वापस आएंगे और वापस डाउनवर्ड फेसिंग। अब लेफ्ट पॉम दोनों हाथों के दरमियान, लेफ्ट पॉम दोनों हाथों के दरमियान और ग्रेसफुली इनहेल कर दोनों बाजू प्लीज ऊपर उठाएंगे। अगर यहां प्रॉब्लम है आपको तो हाथ यहां रख लीजिए प्लीज। अपना अपना लेवल देखिए, अपना अपना बैलेंस देखिए। अगर बैलेंस अच्छा है तो बाजू उठाएं, अदरवाइज बाजू ऊपर ना उठाएं प्लीज। अगला घुटना बेंड करें, अगला घुटना 90 डिग्री पे बेंड करना प्लीज आपने। इनहेल करते वापस आए और दोबारा से डाउनवर्ड फेसिंग, स्ट्रेच दे अपनी बॉडी को। इनहेल करते प्लेन प्लैंक, 1 2 प्लीज एंगेज करें कोर मसल को, सामने देखना सामने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। डाउनवर्ड फेसिंग, स्ट्रेच करें प्लीज। राइट पॉम दोनों हाथों के दरमियान, हाई लंज, दोनों बाजू प्लीज कानों के पैरेलल नहीं उठा सकते, कमर पर रखिए हाथ अपने प्लीज। अपने बैलेंस को ऑब्जर्व कीजिए, हिप को थोड़ा डाउन कीजिएगा प्लीज। सांस पर फोकस, क्या कर रहे हो आप हैं? ये तो नहीं बोलिए, सीधा करना अपनी बॉडी को भाई, यहां हाथ रख लो ना, सीधा करो बॉडी को प्लीज, सीधा करो। वापस आइए प्लीज, डाउनवर्ड फेसिंग, लेफ्ट पॉम दोनों हाथों के दरमियान, अगेन हाई लंज, वापस आइए डाउनवर्ड फेसिंग। दो साइकिल हमारे मुकम्मल हुए दोस्तों। वापस आइए प्लेन प्लैंक पे, तीसरा साइकिल, 1 तो फोर मिनट को बोल कर हिप ऊपर उठाएं, जिन लोगों को डाउन कर दिया हिप उठाएं तो फिर सब उठाएं ऊपर 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 ऊपर, 3 4 सेंटर डाउन करो, 5 और सेंटर डाउन करो, 6 7 वन लाइन पोज प्लीज, 8 9 सामने देखें सामने, 10 11 12 13 14 सेंटर डाउन प्लीज, सेंटर डाउन, 16 17 18 19 20 भी 10 बाकी है प्लीज, 1 2 3 सेंटर जिन्होंने नीचे फेंक दिया उठाएं ऊपर, जिन्होंने ये है उनको डाउन करें, 4 5 6 7 8 9 10 डाउनवर्ड फेसिंग प्लीज। स्ट्रेच करें प्लीज, अपने हिप ऊपर उठाएं, दोनों घुटने स्ट्रेच करें, हील पर वजन दें प्लीज, इनर हील के ऊपर। राइट पॉम दरमियान और प्लीज हाई लंज, प्रॉब्लम है हाथ कमर पर रखे प्लीज, लेकिन बॉडी स्ट्रेट, ये नहीं करना प्लीज, देखें इसको यहां रख, यहां पे रख ले हाथ, लेकिन कमर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट देखे, शोल्डर आपके रिलैक्स हो जाएंगे, चैलेंजिंग है यहां पर, अपनी अपनी पोजीशन देख के करें इसको प्लीज। अब बाजू नीचे करो, बाजू नीचे करो, नीचे करो, कमर पे रखो हाथ, पिछला घुटना स्ट्रेच करें, पिछला घुटना स्ट्रेच पूरी तरह प्लीज, सीधे करो, अगला घुटना बेंड करें 90 डिग्री पर प्लीज, प्लीज नहीं सीख पा रहे आप इस चीज को। अब वापस आइए प्लीज डाउनवर्ड फेसिंग में, स्ट्रेच करें प्लीज, लेफ्ट पॉम दोनों हाथों के दरमियान और हाई लंज, हाई लंज प्लीज, हाई लंज। देखो ये पिछला घुटना स्ट्रेच चाहिए, यहां पे हाथ रख के खड़े हो और ये बॉडी ऐसे नहीं चाहिए, बॉडी 90 डिग्री पर चाहिए, लेकिन प्लीज पिछले घुटने को स्ट्रेच करें, बाजू ना उठाएं ऊपर, जो नहीं उठा सकते, जो उठा सकते हैं सिर्फ वही उठाएंगे प्लीज, आपने नहीं उठाने बाजू, आप भी नीचे करो बाजू, हाँ नीचे करो, कम अगला घुटना बैंड करो, ये 90 डिग्री पे जाइए, लेकिन कॉटन का सूट पहन के आया बिना योगा करने, कमाल हो गया यार, ये माइंडसेट है।
इनहेल करते वापस आए प्लीज, डाउनवर्ड फेसिंग प्रेस करें, प्लस करें प्लीज, पूरी तरह प्रेस करें, वॉकिंग पोज, एक घुटना बेंड करेंगे, एक स्ट्रेच करेंगे प्लीज। इनहेल करते प्लीज अपने वापस आए वज्रासना के ऊपर। मेरी गुजारिश है दोस्त जो शुरुआत में स्पैन कहते हैं, प्लीज अपने माइंड को चेंज करें। देखिए जिंदगी में तरीका और तरतीब बड़ा जरूरी है। नमाज पढ़ना तो आपको वजू करते हैं, कपड़े पाक करते हैं, वो ना करें तो नहीं होगा। इसी तरह योगा करना है तो प्लीज ऐसा ट्राउजर जो स्ट्रेचेबल हो, शर्ट पहन के आए। ये शलवार कमीज एक्सरसाइज का ड्रेस नहीं है, अगर है तो साबित करें आप है ड्रेस ये। प्लीज इसको बदलें यार, इसको खुदा के लिए बदलें। आप देखिए सेहत इंपॉर्टेंट है या कपड़े इंपॉर्टेंट है? आप देखो उमरा करने जाते हो, क्या वहां शलवार कमीज उमरा कर सकते हो? मांदर तो एक प्रोसीजर है, एक तरीका कह रहा है। इसी तरह आपने वर्जिश करनी है तो ऐसे लूज कपड़े पहन के जो आपके शलवार में जब बाजू उठाते हैं तो वैसे आपको प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर सकते। इट डजंट मीन कि शलवार में बुरा ड्रेस है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन प्लीज वर्जिश के लिए अपना स्टाइल बदलें प्लीज। आपकी सेहत से बेहतर कोई चीज़ है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो रोजा ये लगता है कि सेहत कपड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो वेल एनी क्वेश्चन जो किया है ये मैंने इसलिए आज एड थोड़ा सा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आपको दिया है, ताकि मैं बहुत दिन हो गए हैं अपने टमी के पोजेस करते हुए, और ये जो तीन पोज आज आपने किए हैं ये वेट लॉस में बहुत आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इसको सीक्वेंस के साथ करना है प्लीज। ठीक है, पहली दफा देखिए हमने प्लैंक में कम स्टे दिया, दूसरा ज्यादा, तीसरा दफा और हमने ज्यादा, और ये कम से कम 5 मिनट का सेशन है जो मैंने सर आपको 3 दफा करवाया और इसको ताकि आप समझ सकें। तो वेल अपना आइए पशु मुतानासना, सीटेड फॉरवर्ड बेंड प्लीज। ये है अपना, इससे अंदाजा करें अपनी बॉडी का लेवल क्या है, स्ट्रेच क्या है। लेकिन प्लीज इसमें मेरी तरफ गौर से देखिएगा, आप मिस्टेक क्या करते हो, एक काब मसल, हैमस्ट्रिंग मसल और स्क्वाड मसल। मर्द के ये 3 मसल पहले कमजोर होते हैं और उसको बुढ़ापा फील होता है। प्लीज खुदा के लिए इन मसल को स्ट्रांग करें, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होते हैं योगा की वर्जिश से होते हैं, जिम की वर्जिश से, वॉक से, जॉगिंग से नहीं होते, योगा की वर्जिश जब आप स्ट्रेच करते हैं। देखिए ये स्ट्रेच कभी आपको वॉक में मिला है तक जिंदगी में, जिम में मिला कभी? प्लीज अंडरस्टैंड करें इसको, योगा इज एन अल्टरनेट मेडिसिन फॉर योर बॉडी। रिलैक्स रिलैक्स कीजिए प्लीज। अब बॉडी को थोड़ा पीछे मूव करना है आपने, हाथ दोनों क्राउन के ऊपर लाना है सांस भरते हुए, और बारी बारी लेफ्ट एंड राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपने एफर्ट करने प्लीज, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। ये स्टाइल है प्लीज। आई क्या फील हुआ बेली में? बहुत चंगा लग रहा है। उन्हें आवाज किधर जाने को? आयु आए नहीं लगता ना। स्वेल रिलैक्स की प्लीज, लेग को वाइब्रेट करके दोबारा से पशु मुतानासना, सीटेड फॉरवर्ड बैंड, और प्लीज देखिए चेस्ट कैसे लिफ्ट करनी है, गर्दन नहीं उठानी, चेस्ट। ये देखिए स्ट्रेच कैसे है, कैफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल। इसमें घुटने स्ट्रेच रखने हैं प्लीज, यहां से पकड़ लें लेकिन घुटने स्ट्रेच एंड रिलैक्स। इसका दूसरा स्टाइल, दूसरे में थोड़ा सा चैलेंज है, वो चैलेंज सिर्फ वो लोग हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जो नए लोग हैं वो इस चैलेंज को नहीं लेंगे। चैलेंज क्या है पहले गौर से देखिए, ये आपने स्ट्रेच को पॉइंटेड करना है, यहाँ पर रोकना है, जो नहीं रोक सकते हो यहाँ नीचे टच करेंगे प्लीज। तो अपनी लेकर पीछे कमर का कोबरी निकालना, स्पाइन पीछे स्ट्रेट चाहिए बिल्कुल। इस तरह से अपने बॉडी को, स्पाइन को स्ट्रेट किया और धीरे धीरे प्लीज, 1, 2, 3, 4, 5 स्पाइन को सीधा था प्लीज, 6, 7, 8, 9 और 10 पे स्टे प्लीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोबारा से प्लीज अपने फॉरवर्ड बेंड प्लीज। आपने चेस्ट को लिफ्ट करना है इस अंदाज से, ये गर्दन नहीं उठानी, चेस्ट उठानी प्लीज। सर आप नेक उठाते हो, मैन आप नेक, आप हमेशा सर को उठाते, सर डाउन करो, सर डाउन करो, डाउन करो सर, अब चेस्ट आओ, इसको जरा पकड़ के नजर रखनी कर गया अगर। आइए दोस्तों प्लीज नेक्स्ट स्टेप में प्लीज,
अब दोनों एल्बो को क्लोज कर देना प्लीज आपने, बारी बारी लेफ्ट एंड राइट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। एल्बो क्लोज है आपकी, ध्यान कहाँ था? प्लीज अपनी वेयरनेस अपने साथ को, प्लीज वेयरनेस साथ रिलैक्स करें प्लीज, लेग को दोनों पांव फिर कैच कीजिएगा प्लीज, यहां से नहीं पर यहां से पकड़े, लेकिन प्लीज चेस्ट का लिफ्ट मेरे गौर से देखिएगा, ये नक नहीं उठानी, सिर्फ ऑनली चेस्ट को, ताकि कमर का पीछे कोपक जाना खत्म हो प्लीज, यस गुड। फिर आपने फेस उठाया, पता फेस डाउन करो, फेस डाउन करो, डाउन कर दो फेस, अब चेस्ट उठाओ, फिर चेस्ट उठाई अब हिली नहीं आप चेस्ट है। सो दोस्तों एक सेट हमने छोड़ा था प्लीज यहां पे, दोबारा से प्लीज अपने हाथ क्राउन के ऊपर ला किए दोनों प्लीज अपने चैलेंजिंग पोज के साथ, वन टू राउंड लगाओ थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, प्लीज पॉइंट पीछे स्टेट प्लीज प्रो पॉइंटेड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। देखिए आपने हाथ का यहाँ ला किए हुए हैं और मैं डे वन से सिखा रहा हूँ प्लीज हाथ इस क्रोम के ऊपर ला करने हैं, आप नहीं वेयरनेस ला रहे हो हैं। एक चीज का फर्क अंडरस्टैंड करें, योगा दिमाग से होता है मजोर से नहीं होता, प्लीज ये प्लीज इसका फर्क समझें, ठीक है? योगा आपके बॉडी में उन मसल्स को एक्टिवेट करता है जो जिंदगी में नहीं हुआ आज तक, वहां वहां स्ट्रेच आपको फील होता है जहां पे आपको जिंदगी में कभी स्ट्रेच नहीं मिला, तो इसको अंडरस्टैंड करें प्लीज। फॉरवर्ड बेंड प्लीज, देखिए चेस्ट कैसे उठानी, मेरे को गौर से देखिए, देखिए मेरी गर्दन डाउन है और ये अब गर्दन मूव किया कोई ये, ताकि स्पाइन पीछे स्ट्रेट रहे प्लीज आपकी, यहां से थोड़ी सी ट्विस्टिंग प्रैक्टिस प्लीज, राइट हाथ रखें अपना लेफ्ट घुटने के ऊपर, लेफ्ट बाजू पीछे ले जाए प्लीज, और स्पाइन को अपने शोल्डर वेक करना है कहां से, स्पाइन उठानी है ऊपर, स्पाइन को स्ट्रेट करना है और लेफ्ट साइड पे देखेंगे, दूसरी साइड पे देखो पीछे पीछे, यस देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है आपको, फिर इनहेल करते वापस आए प्लीज दोनों बाजू शोल्डर लेवल पर, और एक्सहेल करते हुए राइट हाथ अपना लेफ्ट हाथ अपना राइट टांग के ऊपर, और प्लीज अपने दूसरे हाथ को पीछे टच करते हुए स्पाइन को लिफ्ट करते हुए और ट्विस्ट करेंगे पीछे, इनहेल सेंटर एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर एक्सहेल राइट, रिलैक्स। अब राइट टांग को उठा के प्लीज लेफ्ट पे क्रॉस कर लें प्लीज, और अपना लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़ के इससे अपनी तरफ इसको सीधा, देखिए टांग तिरछी है इसको सीधा करना प्लीज आपने, और चेस्ट को स्पाइन को ऊपर उठाना है और टर्न करके पीछे बैक पे देखना प्लीज, शोल्डर पीछे राइट शोल्डर पीछे की तरफ, लेफ्ट शोल्डर आपका राइट घुटने की तरफ, देखिए हम पे स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है। इनहेल सेंटर एक्सहेल करके प्लीज अपना साइड चेंज करेंगे, अब ये देखिए राइट हाथ से अपने लेफ्ट घुटन को पकड़ लिया ताकि इसको ये यहां जा रहा है इसको सीधा करके, और देखिए स्पाइन को ऊपर लिफ्ट करना है और स्ट्रेचिंग, एंड रिलैक्स। इसी में राइट घुटना बेंड करते प्लीज, और लेफ्ट एल्बो और राइट घुटने के यहां पे रखेंगे, स्ट्रेच से पुश देंगे और स्पाइन को सीधा करेंगे और पीछे देखेंगे पीछे की तरफ, इस तरफ से दूसरी तरफ प्लीज, लेफ्ट एल्बो राइट घुटने को प्रेस करेंगे इस अंदाज से प्लीज, राइट एल्बो से लेफ्ट घुटने को और स्पाइन को सीधा करेंगे प्लीज, एंड रिलैक्स। अब इससे लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लीज, इनहेल करते बाजू पर, एक्सहेल करते प्लीज अपने लेफ्ट तरफ जाना प्लीज, लेकिन राइट हिप ना उठे जमीन से, राइट हिप को जमीन के साथ, राइट हिप को जमीन के साथ प्लीज, राइट हिप ना जमीन से उठे प्लीज, राइट हिप को जमीन के साथ, इनहेल सेंटर एक्सहेल राइट प्लीज, अपने लेफ्ट हिप ना उठे जमीन से, लेफ्ट हिप जमीन के साथ,
इनहेल सेंटर एक्सहेल लेफ्ट प्लीज अपने राइट हिप ना जमीन से उठे प्लीज पॉम बिल्कुल स्ट्रेट करें पॉम अपनी तरफ खींच लें लेकिन प्लीज हिप आपकी जमीन के साथ इनहेल सेंटर एक्सहेल राइट अब लेफ्ट अपना जमीन से उठे प्लीज पॉम सीधे कर लें पॉम सीधे एंड रिलैक्स हमारी लास्ट प्रैक्टिस दोस्तों जो लेट है प्लीज बिल्कुल सीधा लेटिएगा अपना दोनों हाथ अपने क्राउन पे ला करके सर और शोल्डर उठाएं ऊपर सर और शोल्डर ऊपर उठाएंगे क्राउन से हाथ ला करना बारी बारी लेफ्ट एंड राइट शोल्डर को ट्विस्ट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 more please 9, 8, 7, 6 leg बिल्कुल स्ट्रेट करके बेंड करना प्लीज अपने 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स लंबा गहरा सांस दोनों बाजू की स्ट्रेट से लाइन लेके आइए चेस्ट को उठाइए प्लीज और अपने लेग को उठाइए प्लीज बोट आसना प्लीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oh my God, देखिए गली में क्या हुआ लंबा गहरा सांस Oh my God दोबारा से अपने हाथ क्राउन पे लाद करते हुए सर और शोल्डर उठाइए ऊपर और दोनों घुटनों के साथ प्लीज जो चैलेंज बर्दाश्त करते हैं पांव उठा कर के लिए जो नहीं कर सकते पांव जमीन से टच करेंगे प्लीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे स्टे प्लीज 1 पांव उठा के टॉप पॉइंटेड प्लीज 4, 5, 6 टॉप पॉइंटेड प्लीज 7, 8, 9, 10 ओह माय गॉड देखिए फीलिंग बॉडी में दोनों घुटने पकड़े हो प्लीज घुटने पकड़ के चेस्ट उठाइए अपने प्लीज और पांव अपने लेवल पर कीजिएगा प्लीज घुटने दोनों जोड़ के चेस्ट उठाइएगा दोनों घुटने जोड़ के घुटने 90 डिग्री पर लाइक 90 डिग्री पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स लंबा गहरा सांस दोस्तों लास्ट प्रैक्टिस यहां पर प्लीज अपने दोनों हाथ क्राउन के ऊपर दोनों एल्बो को क्लोज कीजिएगा एल्बो क्लोज रखिएगा प्लीज अपने सर और शोल्डर उठाइएगा बारी बारी लेफ्ट एंड राइट 1, 2, 3 एल्बो क्लोज प्लीज 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 more please 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1 relax lamba gehra saans देखिए बैली बटन से लोअर पे कैसी स्ट्रेचिंग आपको आई है प्लीज कोर मसल्स आपके बिल्ड होंगे इससे
दोनों घुटने जोड़े प्लीज, दोनों पांव जोड़ दे, घुटने जोड़ दे प्लीज, बाजू शोल्डर लेवल पर, और घुटने जोड़ के पांव जोड़ के बारी बारी लेफ्ट एंड राइट अपोजिट देखेंगे प्लीज। ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज, आपको शोल्डर नहीं उठाने, शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़िएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली लेफ्ट एंड राइट, अपने अपने 3 से 5 साइकिल मुकम्मल कीजिए। बारी बारी लेफ्ट एंड राइट, घुटने जोड़ के पांव जोड़ के 3 से 5 साइकिल प्लीज, दोनों बाजू शोल्डर लेवल पर एंड रिलैक्स। ब्रिज पोज कीजिएगा 3 दफा, दोनों हाथ अपने पांव के पास रखते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज ब्रिज पोज कीजिएगा। दोनों घुटने कैच करके वाइब्रेट कीजिए प्लीज लेफ्ट एंड राइट, रिलैक्स करें अपनी स्पाइन को। दोनों घुटने जोड़ के प्लीज हक कीजिए अपने चेस्ट के साथ, पांव को पॉइंट कर दीजिएगा और हल्का हल्का वाइब्रेट करना है, देखिए अपनी स्पाइन की मसाज, चिन अपनी चेस्ट की तरफ, दोनों पांव के पंजों को लॉक कर लीजिए प्लीज टांगों के अंदर से, और बारी बारी लेफ्ट एंड राइट। अब दोनों पांव के पंजे पकड़ के लेग को स्ट्रेच कर लीजिए पूरी तरह से, 90 डिग्री पर हटाइएगा लेग को स्ट्रेट, और यहां पे प्लीज चेस्ट को मूवमेंट दीजिए, बॉडी को थोड़ा सा सर को चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और हिप नीचे आएगी, मूवमेंट करके देखिए प्लीज बॉडी के, अपने लेग पूरी तरह खोल के स्ट्रेच करके देखिएगा। घुटने यहाँ बेंड कर दीजिए प्लीज, देखे दोनों एल्बो घुटनों के अंदर की तरफ, और हल्का हल्का लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेट करें बॉडी को एंड रिलैक्स। राइट साइड पे करवा लीजिए, लेफ्ट हैंड जमीन के साथ लगा के उसके बैठिएगा बटरफ्लाई प्लीज, बटरफ्लाई प्लीज, बटरफ्लाई बटरफ्लाई कीजिएगा प्लीज बटरफ्लाई। दोनों हाथ ऐसे लॉक करें, ऐसे अपने ऐसे कमर सीधी करें ताकि यहाँ पे बल ना, प्लीज स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन नहीं उठानी, चेस्ट उठानी है, या फिर आप ऐसे लक उठाते हो प्लीज चेस्ट, ये देखिए चेस्ट, ये जिन लोग हेल्दी है प्रॉब्लम है वो हाथ पांव यहाँ रखें और हाथ पीछे रखें और ऐसे चेस्ट लिफ्ट करें, देखिए ये चेस्ट लिफ्ट की और इसको वाइब्रेट करें, चेस्ट उठाओ ऊपर, जरा कारी साहब को ठीक करके ना, जरा कारी साहब को तुम्हारे राइट साइड पे ऐसे, हाँ वेरी गुड, और आप अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे घुटनों कैसे दबाएं और ऐसे फॉरवर्ड आए प्लीज, ये देखिए कैसे जॉइंट कैसे जुड़ा हुआ है, झटका नहीं देना प्लीज, ग्रेसफुली दबाना, ग्रेसफुली प्लीज, झटका नहीं देना, देखिए मैं कैसे मूव कर रहा हूं, झटका नहीं देना प्लीज, झटका नहीं देना दोस्तों, और लेग स्ट्रेट वाइब्रेट कीजिए और पशु मुतान आसना प्लीज, देखो पहले से क्या फर्क आया, आया फर्क, देखो आप घुटने बैंड करके पकड़ते हो, आई डोंट नो व्हाई, पांव खोलो थोड़े, आप अपने पांव से टर्न करो अपनी तरफ, पांव पहले सीधे करो, टर्न करो अपनी तरफ, टर्न करो पांव को, खींचो अपनी तरफ पांव को, फिर घुटने अपने बैंड कर लीजिए, प्रॉब्लम है ना, यहां से पकड़ो इसे से, चेस्ट आओ ऊपर, चेस्ट आओ ऊपर, यस ऐसे, अब जा रहा है स्ट्रेच ये, लेकिन पांव सीधा, पांव देखिए यहां पर है, इनको अपनी तरफ टर्न करना है, रिलैक्स। एनी क्वेश्चन दोस्तों प्लीज, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबके लिए क्लैप मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक आवाज, थैंक यू वेरी मच, जाते रहो टीम, बहुत शुक्रिया, प्लीज सब दोस्त सुरीली आवाज से बोलिएगा लाइफ इज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच, दोबारा एक बोलिए एक दो फिर लाइफ इज वंडरफुल। ये देखो ना, ये ड्रॉप